नमस्कार, 10 कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फिरकी के जादूगर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज अमित भंडारी और साथ ही हमारी सहयोगी सारा और शैली भी मौजूद हैं यहां पर अपनी पसंदीदा टीम और पसंदीदा खिलाड़ियों के साथ। कौन सा आज खिलाड़ी धमाल मचा सकता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन बात करते हैं धोनी की, जो आज उस अपमान का बदला लेने उतरेंगे जो उन्हें एक साल पहले IPL में मिला था, क्योंकि तब KKR के कप्तान गंभीर ने धोनी के साथ ऐसी गंभीर चाल चली थी और माही को इतना मजबूर कर दिया था कि धोनी उस वक्त चाह कर भी कुछ नहीं कर पाए थे और अब धोनी गंभीर की सेना से उसी अपमान का बदला लेने उतरने वाले हैं। तो जीत का चौका लगाने के इरादे से तो मैदान पर उतरेंगे ही, लेकिन पिछले साल जिस तरह से उनको बांधकर गौतम गंभीर ने रख दिया था महेंद्र सिंह धोनी, उसका भी बदला लेने के लिए मैदान पर उतरेंगे। मनिंदर जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे कि 30 गज के दायरे में क्या महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी को बांधकर रखा जा सकता है? गंभीर ने ऐसा किया था पिछले। देखिए, कई लोग हैं जो जानते हैं क्या क्या कमजोरियां हैं महेंद्र सिंह धोनी की भी, क्योंकि सारे स्ट्रांग पॉइंट्स नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोरी होगी और उनके साथ इतनी क्रिकेट खेले तो उनको आइडिया भी होगा कि कहाँ पर उनको बांध के रखा जा सकता है। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जिस तरह की लय में आ गए हैं, उन्होंने पिछले मैच में जिस तरह से रन बनाए, मुझे उम्मीद है कि वो जो आप बार बार बात करें बदले की वो इस मैच में पूरा होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि राइजिंग पुणे की टीम जीते जी। क्योंकि ये टीम अच्छी है, इसका बैलेंस अच्छा है, एक बार इन्होंने लय पकड़ी तो ये बहुत एंटरटेन। मनिंदर सर का हमेशा से ही सपोर्ट रहा है पुणे की तरफ। हाँ, पुणे की तरफ और महेंद्र सिंह धोनी, जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं और सारे लोगों का सपोर्ट है। मेरे 3-4 खिलाड़ी हैं एक्चुअली इस टीम में, एक महेंद्र सिंह धोनी है, एक मैं स्टीवन स्मिथ का बहुत बड़ा फैन हूँ, पार्टी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, रहाने को मैं हमेशा से लाइक करता हूं। सो ये सब देखते हुए और टीम का बैलेंस भी देखते हुए जिस तरह का अभी तक प्रदर्शन हुआ है उससे बेहतर टीम है, उससे बेहतर टीम है। अमित जी, आपको लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी की बात करो और जिस तरह से वो लय में आ गए हैं, वो अब जो है वो पिछले साल जैसा हुआ यानी 22 गेंद में 8 रन, महेंद्र सिंह धोनी वैसे खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है और सारे कुचक्र को तोड़कर रख देंगे? देखिए, वो एक ऐसा प्लेयर है कि उसको पता है मैंने कब क्या करना है। आप जो 30 गहरे की बात कर रहे हो ना, हर इंसान का गेम प्लान होता है और एक कप्तान ऐसा है कि अगर कम स्कोर हो तो वो सिली पॉइंट फॉर शॉट लगता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उस दायरे की बात कर रहे हो, वो ऐसे खिलाड़ी के रूप में जाने जाते हैं जो दूसरे खिलाड़ी अगर बन जाए तो आकर उस बंधन को तोड़ देने वाले। देखिए, वो जैसे मैं कहते हैं एक इंसान का गेम प्लान होता है, चेंज हुआ टाइम के साथ। वो एक ऐसा प्लेयर है जिनको टाइम चाहिए, तभी 4 नंबर बैटिंग करने आ रहे हैं तो उनको पता है कि उन्होंने किस टाइम पे क्या करना है। आप उस ऐसे प्लेयर को भी बांध नहीं सकते। हाँ, अगर ऐसा प्लेयर खड़ा हो गया वो दूसरी टीम को अपना टारगेट दिखा के बता सकता है मैं कहाँ बांधा हूँ, कहाँ तो मैं बांधने जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अच्छे प्लेयर में। ऐसा धोनी के साथ कई बार एक्चुअली करियर में हुआ है कि कभी कभी ऐसा फंस जाते हैं कि फिर वो लय पकड़ ही नहीं पाते और प्रॉबेबली उस मैच में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं पिछले साल का, प्रॉबेबली उस मैच में ऐसा हुआ। वैसे भी धोनी के बारे में मान्यता है कि अनहोनी को होनी कर दे धोनी तो जो बदला है वो जरूर लेंगे और जो उनकी टीम है वो खुद अब मोमेंटम में है, वो फॉर्म में आ गए हैं। हैदराबाद के खिलाफ जो उन्होंने 61 रन बनाए तो इससे लगता है कि अब वो पूरा गंभीर को ना गंभीर तरीके से ही रिप्लाई देंगे। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है सारा? क्योंकि पिछले मैच में फिर ज्यादा नहीं चले थे, उस मैच में चले हैदराबाद के। फिलहाल जो पीछे का मैच था 7 रन बनाए थे उससे पहले 61 रन हैदराबाद, तो इसलिए ये कंसिस्टेंट नहीं रहे। हाँ, लेकिन अभी हम पूछेंगे उनसे भी, क्या पता आज उन्हीं का दिन हो, पुणे का दिन हो, महेंद्र सिंह धोनी का दिन हो और वो उनके बल्ले से रन। और मनी सर का विश्वास है तो खैर हमें भी थोड़ा बहुत विश्वास दिखाना ही चाहिए। चलिए मनिंदर जी, आपको दोनों में से बैलेंस टीम वैसे कौन सी लगती है, क्योंकि KKR जो है वो निश्चित तौर पर बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और पुणे के लिए आप कह रहे हैं कि उनको कम से कम लक का भी साथ मिला। देखिए, इस समय जिस तरह से ये दोनों टीमें खेल रही है इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि KKR की टीम बेटर है। ऑन पेपर्स KKR की टीम बेटर है, मैदान के ऊपर भी उनका प्रदर्शन बेहतर है, चाहे वो उनकी बॉलिंग हो, चाहे वो उनकी बैटिंग हो, चाहे वो उनकी फील्डिंग हो, सो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये T20 क्रिकेट करुण ऐसी है, जब आप लय में होते हैं तो ऐसा लगता है इस टीम को कोई हरा नहीं सकता, जैसे मुंबई की टीम, और जब आप लय में नहीं होते तो लगता है ये टीम जीतेगी कैसे, सभी आकर धो डालेंगे। बिल्कुल, सो 20 ओवर्स के क्रिकेट में कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि एक बार लय पकड़े तो फिर वो कंटिन्यूस चलती रहती है, लेकिन एक बार खो दे तो फिर उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अभी जी, पिछले 3 मैचों की अगर बात करें तो यहाँ पर तो पुणे जो है वो बेहतर नजर आ रही है। देखिए, मैं जो IPL चलता है ना वीक के हिसाब से चलता है, तो ये वीक मुझे पुणे का थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि आप पहली वीक की बात करो तो सबने बोला किंग्स इलेवन अच्छा कर रही है, तो अगला वीक उनका ऐसा गया, फिर सोना कि KKR अच्छे की, तो उनका एक तो हर टीम का एक वीक आता है, तो मुझे पुणे का हफ्ता लग रहा है कि इस हफ्ते में 2-3 मैच और खेल रहे हैं तो शायद टॉप पे भी आ सकती हैं। और देखिए, KKR के कुल्टर नाइल की कुछ बात कर रही थी यहाँ पर। हाँ, मुझे ये लग रहा था कि क्या वो खेलेंगे, मैं मुझे जैसे पिछले मैच में उन्होंने इतना नहीं खेलने वाले नहीं, पुणे नहीं पहुंच पाए ये खबर आ रही है किसी वजह से। बड़ी उम्मीद थी कि आज वो खेलते तो मजा आता, लेकिन
मतलब 49 रन पे आउट करवाने के चक्कर में फिर से जैसे आरसीबी में उन्होंने योगदान किया था मनिंदर जी। नहीं देखिए, बहुत बढ़िया बॉलर है, उनको पता है इस तरह की लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में किस तरह की बॉलिंग करनी है, और सबसे बड़ा एडवांटेज है हाइट है। उस हाइट से जब वो यॉर्कर डालते हैं या रिवर्स स्विंग करते हैं, हालांकि ये बॉल इतनी पुरानी नहीं होती कि रिवर्स स्विंग हो, लेकिन उनके पास वो स्लो वंस भी हैं, वो वेरिएशंस भी हैं जिससे कि वो परेशान कर सकते हैं ऑपोजिशन को। सो अगर वो नहीं खेलेंगे तो जिस टीम से भी वो खेलते हैं उस टीम को नुकसान तो जरूर। लेकिन अभी आपने लय की बात की, पुणे सुपर जायंट्स लगातार 3 मैच जीत रही है, इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं जो स्टीव स्मिथ है, धोनी, एक एक इनिंग में सफल रहे हैं, तो आपको नहीं लगता थोड़ी सी और जिम्मेदारी, दे नीड टू पुल अप देयर सॉक्स? देखिए, धोनी का जहाँ तक सवाल है, उनको पता है, उनकी जिम्मेदारी का एहसास है उनको, क्योंकि इतनी उन्होंने क्रिकेट खेली है। स्मिथ का भी जहाँ तक सवाल है, उनको भी पता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है T20 क्रिकेट में धोनी का जहाँ तक सवाल है, उनको ऊपर बैटिंग कराया बेहतर होगा क्योंकि उनको थोड़ा सा अभी वक्त चाहिए। लेकिन जहाँ तक स्मिथ का सवाल है, या विराट कोहली को भी ले लीजिए, कई बार वो ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ खेलने की कोशिश करते हैं जिसमें अपनी विकेट गंवा बैठते हैं, लेकिन ये खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर ये अपनी नॉर्मल गेम भी खेलेंगे और उसको एक्सेलरेट कर सकते हैं अब आखिरी ओवर्स में, तो बड़े स्कोर्स बना सकते हैं। क्या पुणे के साथ एक कंफ्यूजन ये भी है अमित जी कि ये टीम दो दो कप्तान इसमें हैं, ऑन द रिकॉर्ड एंड ऑफ द रिकॉर्ड, क्या स्मिथ और धोनी कुछ ऐसा? देखिए, ये चीज मैटर नहीं करती है, मैटर ना बाहर करती है। लोग कहते हैं शायद धोनी को हटा दिया, पर वो सबसे बड़ी चीज़ लास्ट मैच में देखिए कि वहाँ पर डिस्कशन धोनी से करना है स्मिथ, तो कहीं ना कहीं एक अपना एडवाइस होता है, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर किया गया। पर इस टीम के अंदर एक प्लेयर में अभी भी और अच्छा दिख रहा है, मनोज तिवारी। किसी ने सोचा नहीं था कि 6 नंबर पर जो बैटिंग वो कर रहे हैं, जो 10 बॉलों पे वो 30 रन बना रहे हैं, वो हर मैच का डिफरेंस वो पैदा कर रहे हैं हर मैच में। लपकने चाहिए उन्हें ज्यादा। देखिए, कैचेस कैच गिरा देंगे, 10 रन निकल गए। देखिए, वो एक डिफरेंट है। आप जब बैटिंग करते हो अपनी टीम के लिए क्या करते हो वो बड़ा मैटर करता है, और हर मैच में उन्होंने दिखाया है। अगर आप बॉम्बे में उन्होंने रन दिखाए, हैदराबाद में मैच उन्होंने दिखाए, तो कई ऐसे मैचेस है कि जहां आपके 10 बॉल पे जो 20-25 रन बनते हैं ना, वो मैच को कहीं भी चेंज कर देते हैं। और आईपीएल में एक चीज सीखी है कि बेशक आप 180 रन बना लो, पर आपके 2 ओवर अच्छे गिरेंगे ना, तो मैच किसी तरफ जा सकता है, और ये लास्ट मैच में पुणे ने दिखाया है। एक गेंदबाज ऐसा है जो आजकल बल्लेबाज बन गया, मनिंदर जी, सुनील नारायण की हम बात कर रहे हैं, उन्हें लेकर के आपके केआर की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, स्पिनिंग ट्रैक है यहाँ पर, फिर भी जो है स्पिनर इनके काम नहीं आ रहे हैं, और सुनील नारायण हमेशा लीडिंग विकेट टेकर हुआ करते थे, अब जो है ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं। अब एक्शन जब से उनको ठीक करना पड़ा, क्योंकि पहले चेक करते थे, जब आप चेक करते हैं आपको पिक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब से वो हाथ को सीधा करने की कोशिश उन्होंने की है, हालांकि मुझे अभी भी कहीं ना कहीं वो डाउट लगता है, क्योंकि पूरी स्लीव से डालते हैं तो पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेंटली वो फंसे हुए हैं, क्योंकि हाथ टेढ़े से हाथ को सीधा करना इतना आसान नहीं है। अगर नहीं भी हो पा रहा है तो दिमाग में वो फंसा रहता है। जहां तक उनकी ओपनिंग का सवाल है, बिग बैश में उन्होंने अभी हाल ही में ओपन किया था और तेजी से रन्स बनाए थे, जिसकी वजह से कोलकाता भी उनसे ओपन करा रही है, क्योंकि असिस्टेंट कोच भी वहां पर कैटिच है, यहां पर भी कैटिच है, तो चीज का फर्क पड़ा है। बिल्कुल, कैटिच ने उनको खेलते हुए देखा, ओपन करते हुए देखा है, और जो जिस तेजी से रन बना के दे सकते हैं, अगर वो 20-25 रन भी बना दे आपको 7-8-9 बॉल में, वो बहुत कारगर साबित, बिल्कुल, और कारगर साबित होता हुआ दिखाई भी पड़ रहा है। चलिए, अब बात कर लेते हैं विराट कोहली की, जो बड़े संकट में घिर गए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि कोलकाता के खिलाफ करारी हार के बाद अब बारिश ने भी विराट का खेल बिगाड़ दिया। नुकसान मुझे लगता है जिस तरह से हैदराबाद की टीम खेल रही है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरह से बैंगलोर की टीम खेल रही है, उम्मीदें बहुत कम लग रही है किसी भी टीम के अगेंस्ट उतरेंगे, ऐसा लग रहा है कि ये टीम, जब मैं बात कर रहा था कि जैसी लय में है अभी बैंगलोर की टीम, ऐसा लगता है कैसे जीतेंगे, हाँ। लेकिन ले पकड़ी, हाँ। तो फिर समझ नहीं आएगी, फिर 6 मैचेस के बाद बहुत बढ़िया। आई एग्री विद मनी सर, क्योंकि जो विराट कोहली है उनके लिए अब चिंता का विषय तो है, क्योंकि उनके लिए अब हर मैच नॉकआउट के समान ही साबित हो रहा है, और उनके फेस पर एक टेंशन वाला माहौल भी आप देखेंगे। वो तो है, लेकिन सहरा बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखेगी कि विराट कोहली है तो ऐसा लगता है कि वो मैच जिताने के लिए उतरते, क्योंकि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मैं एक बात से बहुत ज्यादा निराश हूं कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा मजाक बन रहा था, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि लेट डाउन करने वाली बात, कि भाई भगवान भी नहीं देखना चाहता था बैंगलोर का मैच, लेकिन मुझे लगता है कि नेक्स्ट मैच में कुछ कमाल हो सकता है, मुझे लेकिन कल तो उनके सारे अरमान पानी में। और ये भी हम साथ में दिखा रहे कोहली का करिश्मा आरसीबी को किस तरह से बचा पाएगा, और क्या समीकरण यहां पर, 8 मैच के बाद आरसीबी के सिर्फ 5 अंक हैं, अब बचे हुए सभी 6 मैच जीतने होंगे, जिसकी हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, सभी 6 मैच जीतने पर 17 अंक हो जाएंगे, और तब आप जो है सेफ जोन में होंगे। 16 से कम अंक पर सिर्फ 4 बार ही टीमें पहुंच पाई हैं, वहां पर रन रेट का मामला चला है, कोहली का करिश्मा ही
आरसीबी को आगे ले जा पाएगा। तो 16 से नीचे में सिर्फ 4 बार ऐसा, मनिंदर जी आंकड़ा। ये अमित ने अभी एक बात बोली ना, ये जो एक एक पॉइंट मिला है दोनों टीमों को, ये एडवांटेज होने वाला है। और जो आपने आंकड़े निकाले, कोहली तो इसलिए कह रहा हूँ कि कल होता और हम 2 पॉइंट लेके जाते। करुण, इसमें जो टीम 14-15 पे, हम टॉप 2 की बात नहीं करते, टॉप 4 में कौन आएंगे, ये एक पॉइंट वहाँ हेल्प करेगा। ये मैं टॉप 2 में तो जो टीम बनेगी वो टॉप 2 की निकल जाएंगी। तो खैर बात नहीं हो रही, टॉप 4 की बात हो रही। टॉप 4 में ये भैया वो कह रहे हैं इसमें बेंगलुरु को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि आप एक हैदराबाद की टीम जो अच्छा कर रही है, आप 2 मैच हारते हैं वहीं 9 पॉइंट पे रहेंगे ना, मैच आपके 10 हो जाएंगे। तो यहाँ 2 अगर पॉइंट हैदराबाद 2 मैच जीती है तो उनके 9 पॉइंट आ जाएंगे, तो आप बराबर बैठ गए ना एक तरफ से। तो यहाँ पर एक पूरा मैच उन्होंने नुकसान हैदराबाद का ज्यादा हुआ। लेकिन अमित जी, आपको लगता है अब कंटिन्यू उन्हें बैक टू बैक मैच जीतने होंगे? एक भी मैच अगर वो हारते हैं तो इसका तो बुरा असर पड़ेगा। देखिए, एक टीम को तो कंटिन्यू नहीं बन पाएगी, एक टीम तो कंटिन्यू जीतेगी, या बैंगलोर जीतेगी या हैदराबाद जीतेगी। मुंबई कई बार लगातार जीतने का रिकॉर्ड बनाती आई है। देखिए, बनाया पहले भी जब उसने खिताब जीता था उस वक्त भी लगातार उसने उस टाइम पहले 5 मैचेस जो दुबई में हुए थे हारे थे वो, जैसे हिंदुस्तान आया अगले 9 मैचेस जीते। मुंबई ने भी, मुंबई ने भी किया, पर केकेआर ने 5 मैच हारने के बाद जीतना शुरू किया। केकेआर चैंपियन माना था। हां, ये मुंबई चैंपियन, मुंबई ने भी, जो दुबई से टूर्नामेंट शुरू हुआ था उसमें मुंबई 5 मैच वहां पर हारी थी। सो वही मैं कह रहा हूँ, 20 ओवर्स की क्रिकेट में एक बार आप लय पकड़े, जीतना शुरू करें तो फिर वो आप जीतते चले जाते हैं, वो लड़ी बनती चली जाती है। व्हाट डू यू थिंक दैट प्लेऑफ में चांस है विराट कोहली को? देखिए, मैं तो बहुत बड़ा फैन हूं और मैं चाहूंगा कि उनकी टीम प्लेऑफ में आए और वो धोनी के साथ 6 मैच में, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहे, कोई कंसिस्टेंसी ही नहीं है। आज अगर ऐसे आज किसको पिक करोगे, धोनी को के विराट की टीम को पिक करना पड़ जाएगा? क्वालिफाई की बात कर रहे हो, धोनी है या गंभीर है यहां? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि आप विराट कोहली की टीम को क्वालिफाई करना चाहते हो कि धोनी की टीम को देखना चाहते हो? मैं ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा, मतलब डिप्लोमेटिक तो करने वाला। आप किसे देखना चाहते हैं? मैं तो धोनी को देखना चाहता हूं। मैं भी धोनी को। चलिए, यहां पर धोनी को देखना चाहते हैं, लेकिन धोनी के लिए गंभीर इम्तिहान है और इस इम्तिहान को पार करना पड़ेगा पूरे अंक से, तो फिर मैदान में पहुंचकर उसी तरह से रनों की बरसात करनी पड़ेगी जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कहां पर इस वक्त कौन सी टीम है, आइए आपको ये दिखाते हैं। मुंबई सबसे ऊपर, 8 मैच जीतकर 12 अंक हैं उसके पास, और कोलकाता दूसरे नंबर पर, हैदराबाद तीसरे नंबर पर, पुणे जिसका आज मुकाबला है वो चौथे नंबर पर, और हमारे एक एक्सपर्ट उनका कहना है कि ये तीसरे नंबर पर भी आ जाएगी जीतने के बाद, इनका ऐसा आकलन है। ये देखने वाली बात कि पोजीशन कितना चेंज होता है। पंजाब 5वें नंबर पर, 7 मैच में 6 अंक हैं। बेंगलोर 5 अंक, बारिश की वजह से 1 अंक हैदराबाद के साथ बांटना पड़ा। दिल्ली और गुजरात 7वें और 8वें नंबर पर, दोनों के 4-4 अंक। और अब किस बल्लेबाज ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, आइए ये आंकड़ा भी देख लेते हैं। ऑरेंज कैप की रेस में कौन इस वक्त सबसे आगे? हाशिम अमला 7 मैच 299 रन, 59.8 की औसत के साथ सबसे आगे इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। कोई भी इस टेस्ट बल्लेबाज की बात नहीं कर रहा था कि शायद आईपीएल में इतना चलेगा, लेकिन दिखाया इन्होंने कि क्लास हो तो यहाँ पर रन कम नहीं हो सकते। और पर्पल कैप की रेस में सबसे आगे हैं भुवनेश्वर कुमार, जिन्होंने 16 विकेट 7 मैचों में लिए हैं। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये टैली कितनी बदलती है, और अहम मुकाबला आज जो है पुणे और केकेआर के बीच, और इस पर हमारी नज़र रहेगी और तमाम अपडेट्स भी आपको देंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद थे, चर्चा में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।